अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हर्षद सादात और आप देख रहे हैं सादात फैक्ट्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाक फिजाइया के एक ऐसे कौमी हीरो पर बात करेंगे जिसने खामोशी से अपना काम किया, खामोशी से एयरफोर्स से रुखसत हुआ और एक दिन इसी खामोशी से दुनिया भी छोड़ गया। इनके बारे में मीडिया भी हमेशा खामोश ही रहा है। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम लोगों से हज़ब रिवायत एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम हरीपुर में पैदा हुए, 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन की। आप 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के हीरो हैं और 1978 में पाक फिजाइया के सरबराह बने। आप एयरफोर्स की नहायत सखीर अफसरान में से रहे हैं। हर लम्हे कुछ बड़ा करने को बेताब रहने वाला ये अफसर जब पाक फिजाइया का सरबराह बना तो उसने अंग्रेज़ों से वर्षे में मिलने वाली पाक फिजाइया को आज की मॉडर्न पाक फिजाइया में बदल डाला। अमरीका से F-16 और चाइना से F-5 लड़ाका तैयारे हासिल करके पुराने तैयारों को चलता किया। पाक फिजाइया का हेडक्वार्टर चकलाला मुंतकिल किया और कई नई एयरबेस खड़ी कर दिए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अफगान वार के दौरान तीनों मुसल्ला फौज में से सिर्फ पाक फिजाइया थी जिसने रशियन मिलिट्री से तवील दो बदो जंग लड़ी। पाकिस्तान की फजाई सरहदों की हिफाजत की जंग गुमनाम हीरो अनवर शमीम के दौरानिए में लड़ी गई। ये बात इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि पाक फिजाइया ने इन झड़पों में 8 रशियन लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ एक F-16 तैयारा तबाह हुआ था जिसका पायलट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर पैराशूट की मदद से बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुए थे। पाक फिजाइया को इस जंग के दौरान किसी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। एयर मार्शल अनवर शमीम का दूसरा बड़ा कारनामा 1984 में कोहोटा पर इसराइल के मुमकिन हमले को नाकाम करना था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रात 12 बजे के बाद मुझे बैरूनी मुल्क से कॉल मौसूल हुई कि इसराइल की लड़ाका तैयारी इंडिया की तरफ जाते देखे गए हैं। मैंने फौरन पाक फिजाइया को हाई अलर्ट के अहकाम जारी किए, पूरी तौर पर आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को आगाह किया और साथ ही इनसे ट्रामिया में वाकई भारत के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को जवाबी हमले में तबाह करने की इजाज़त हासिल कर ली। रात 2 बजे पूरी पाक फिजाइया का 80% स्टाफ अपनी ड्यूटी संभाल चुका था और हमारे लड़ाका तैयारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फजाओं में निचली और दरमियानी सतह पर परवाज शुरू कर चुके थे। इस दौरान भारत को हमारी तैयारी की इत्तला दी गई। UO और इसराइल अपनी हिमाकत से बाज आ गए। एयर मार्शल अनवर शमीम का तीसरा और नहायत ही अहम कारनामा यह है कि वो पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम की बानियों में से है। हमारी बाकायदा स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स तो पिछले 14 सालों के दौरान बनी है, लेकिन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक कमांड अनवर शमीम की दहाई में बना चुके थे क्योंकि तैयार होते एटम बम के इस्तेमाल का पहला मुमकिन ऑप्शन पाक फिजाइया ही थी। तब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की शुरू होती मिज़ाइल प्रोग्राम का चार्ज भी स्ट्रेटेजिक कमांड के सुपर कर दिया। यूं मुनीर ए खान का प्रोजेक्ट अनवर शमीम की बराह रास्त निगरानी में आ गया। हमारी मिज़ाइलों की पहली नस्ल जो हतब सीरीज़ के लाती है और जिसका पहला तजुर्बा 1989 में हुआ था, ये अनवर शमीम ही की मेहनत का हासिल था। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम को इनकी अहमियत के सबब बार बार एक्सटेंशन दी गई। आप तकरीबन 7 साल पाक फिजाइया के सरबराह रहे और 1985 में रिटायर हुए। आप पाकिस्तान मिलिट्री की तारीख में सबसे ज़्यादा फौजी एजाजात पाने वाले अफसरान में से है। इनके बड़े एजाजात में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारे जुर्रत शामिल है। जबकि अरब इसराइल जंग के बाद डिपुटेशन पर उर्दन में रहते हुए उर्दन की फजाइया को सरनौ बहाल करने पर इन्हें उर्दन की तरफ से इस्तकलाल अवार्ड दिया गया। इन्हें अमरीका की जानिब से मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया जो पाक फिजाइया को दुनिया की सफियाउल की एयरफोर्सेज में ला खड़ा करने के एतराब में था। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम 4 जनवरी 2013 को 81 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।